तो आइए आज हम कोकोनट करी बनाना सीखते हैं। मिक्सर में मैंने पहले ले लिया है स्प्रिंग ऑनियन यानी फूकों वाला प्याज, 2 से 3 प्याज ले लिए। इसमें मैंने ग्रीन गार्लिक मतलब हरा लहसुन थोड़ा 8-10 कली डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है और साथ में इसमें हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है 1 पूरी, जो तीखी नहीं इसको पीस दिया। अब ये मिश्रण तैयार है। अब मैं लौंग इलायची और काली मिर्च का ये भुना हुआ मसाला मैंने तैयार किया है और इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया और सूखा धनिया और ऐड कर दिया है 2 चम्मच और ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। आइए अब मैं इसे भी मिक्सर को भूनने के बाद पीस लूँ। ये मिश्रण तैयार है और अब मैं थोड़ा सा तेल चढ़ाऊँगी कढ़ाई में। इसके साथ हींग डाल दी मैंने तेल चढ़ाने के बाद 1 पाव चम्मच। उसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई डाल दी हैं, थोड़े करी लीव्स डाल दी हैं थोड़े। इसके बाद इसको चलाने के बाद गार्लिक यानी कि लहसुन कटे हुए डाल दिए हैं और अब ऐड करूंगी इसमें मैं थाई रेड चिली 5 से 7 दाने, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत तीखी होती है। अब ये प्रिपेयर मिक्सचर भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने और साथ साथ अब मैंने कोकोनट मिल्क 1 बर्तन में यानी कि कढ़ाई में ले लिया है। उसमें थोड़ा सा गाजर काट के डाल दिया है 1 या 2 जैसा ठीक लगे, बेबी कॉर्न के टुकड़े डाल दिए हैं और साथ में उसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा पका लिया है हल्का सा इससे और ये जो मिक्सचर था मेरे पास इसमें थोड़ा सा जिंजर स्मैश्ड मतलब के अदरक डाल के कोकोनट मिल्क मैंने सब्जी समेत इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यानी कि काला नमक। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्रिपेयर्ड स्पाइस मिक्सचर यानी कि गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर वो भी मैंने डाल दिया है, रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है और मैं ऐड करूँगी इसमें अब रेडी होने के बाद कोकोनट थाई करी कोकम वाटर, जो कि मैंने 3-4 कोकम भिगा के उसे रेडी किया था कोकम वाटर को। और अब इसमें मैं बन चुकने के बाद डाल रही हूँ धनिया कटा हुआ। कैसी लगी हमारी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा कोकोनट करी के।